पार्टी चीफ साहब से मुलाकात हुई, सेक्रेटरी साहब से? दे मैंने जी अपनी सबमिट कराई है एप्लीकेशन, और वो जो कवाजे हैं और वो जो कुछ कन्फ्यूजन है उसको बड़ा क्लियर कराने के लिए कि जब तक कोई ड्यू प्रोसेस किसी रेजिग्नेशन का नहीं होता वो रेगनाइजेशन अडॉप्ट नहीं हो सकती। और ये ख्वाहिश एक और एक सोच थी जिसको ट्विटर पर मैंने शेयर किया, जिसके बाद सारे पार्लियामानी हमारे ग्रुप के लोग आए कि जी वो कोई भी आप ऐसा डिसीजन ना लें, और रेजिग्नेशन तो आपकी है भी नहीं। लेकिन हैरत इस बात की थी कि कोई ऑफिशियल कोई काम हुआ नहीं, उसके बरक्स पे कुछ लोगों ने कायम मकाम सदर भी बना दिया, जो कि हो भी नहीं सकता है क्योंकि कायम मकाम सदर की कोई गुंजाइश हमारी पार्टी में है भी नहीं। और अगर कोई तरीक़ेकार भी होगा तो उसके लिए हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, काउंसिल है, जिसको पूरा बुलाना होता है, फिर वो नॉमिनेट करते हैं। सर गवर्नमेंट के वाले से क्या कहेंगे, रोज़ कहते हैं बलोचिस्तान गवर्नमेंट ये गई, जहां कमाल साहब ये गए, क्या कहना चाहेंगे? अब्दुलरहमान खेतरान साहब ने अभी आपके हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम भी आज किया आप पर। जी अब्दुलरहमान खेतरान साहब से बहरहाल ये पूछ लिया जाए कि, बल्कि उन्होंने तो बहरहाल एक तहरीर में ये भी किया है कि हम मुझसे डायरेक्ट किसी ने बात नहीं की है, लेकिन मेरे बेटे से किसी ने बात की। सर कल वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, उन्होंने तसल्ली दी कि हम आपके साथ हैं, और मेरी अभी उनसे मुलाकात। अच्छा, और क्या कितना आप मुतमिन हैं कि आप वहाँ पर गवर्नमेंट सर आप बचा पाएंगे? जी हमारी कोशिश है, हमारी कोलिशन और पार्टी माशाल्लाह बहुत।